हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टॉपिक सोडियम डी लाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन द सोडियम एटम देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ विच 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन क्लोज सेल एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल इन द थर्ड सेल। It is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1, the third cell. The state of the atom is expressed by the state of this electron. Thus, sodium atom is the monovalent electron atom, क्योंकि तीसरे state में केवल एक ही electron होता है, जिसकी वजह से transition होता है और उसी की वजह से spectra मिलता है। फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन, हमें दो लाइन मिलती हैं जिसे हम D1 और D2 बोलते हैं। तो फॉर एस इक्वल टू ज़ीरो एंड जे इक्वल एल प्लस माइनस एस। So, for S equal to 0, L equal to 0, L equal to 0 and S equal to half. So, 0 plus minus half equal to half. So, J equal to half. And for P, for P, L equal to 1 and J equal, फिर से L plus minus S, L 1 plus minus half, plus करेंगे तो 3 half और minus करने पर half. And this will give J equal 3 half and half. 3 half or half. तो P में के लिए डबल J है, जिसकी वजह से हमें एक D1 मिलता है और एक D2। स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल एटम, like a hydrogen atom, the alkali metals metal atom such as lithium, sodium, potassium, etc. are also the single electron system because they have only one valence electron in the outer most shell. तो हाइड्रोजन की तरह एल्कली मेटम मेटल के भी वैलेंस सेल में लास्ट आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट फॉर एल्कली मेटल, इन द एल्कली एटम्स देयर आर जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द क्लोज सेल बिकॉज जेड इज द एटॉमिक नंबर। फॉर सोडियम जेड इक्वल टू 11। देयर आर जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट cell, which is called the valence electron. The nucleus and the electron is free to move in the electric field of this charge. Quantum defect, ye hai energy ki value, where the lithium n equal to 3, 4 and for sodium n equal to 3, 4, 5. R is the Rydberg constant, Z is the atomic number and the quantity A is called the quantum defect. The value of screening constant A is positive and its value depend on the value of the orbital quantum number. Iski value depend karti hai orbital quantum number, yani ki L par depend karti hai.
इसका डबलेट स्पेक्ट्रा आता है कुछ इस तरह, ये में चार सीरीज मिलती है, प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल, साफ, फंडामेंटल और डिफ्यूज सीरीज। तो पी से एस, ये हमने एस दिखाया है, पी और डी। तो पी से एस में आने वाली सीरीज को प्रिंसिपल सीरीज बोलते हैं, और एस से पी, हायर स्टेट से लोअर स्टेट, तो एस टू पी आने वाले सीरीज को हम साफ सीरीज बोलते हैं, और डी से पी में आने वाले लाइंस को हम डिफ्यूज सीरीज बोलते हैं, और एफ से डी में आने वाली लाइनों को हम फंडामेंटल सीरीज बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।